हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, मेरे साथ बैठी हैं सुरभि, और आज हम बात करने जा रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बारे में। अब दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जब उनका निधन हुआ तो एक बड़ी ही सिंपल स्टोरी बताई गई कि उनको हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कईयों ने इस बात को मान लिया, ना इस पे किसी ने सवाल पूछे, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, और कहानी कहीं ना कहीं अब खत्म होती दिख रही है। लेकिन दोस्तों, जो बड़ा सवाल उठता है वो ये कि 40 साल का एक फिट इंसान जो जिम जाया करता था, अपनी डाइट को प्रॉपर लिखाया करता था और अपनी डाइट को लेकर और अपनी सेहत को लेकर इतना कॉन्शियस था, उसको अचानक इस तरह से इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक कैसे आया, और हार्ट अटैक आया भी तो वो इस तरह का कैसे हुआ कि उन्हें खुद पता नहीं चला, ना वो चिल्लाए ना वो चीखे, और अचानक ही बस इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब इस पूरे मामले को लेकर उनकी बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो सुनकर शायद आप भी हैरान होने वाले हैं। कुछ ऐसे खुलासे उन्होंने किए हैं जिनकी बात सुनना जरूरी है, और इसी पर हमारी आज की ये डिबेट होने वाली है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने ऐसा क्या बताया है जो काफी ज्यादा अब कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहा है। आपको मैं पूरी कहानी समझाता हूं। सबसे पहले बताता हूं आपको कि वो 8:30 बजे उस दिन अपने काम से वापस आए थे, शूटिंग से वापस आए थे, और उसके बाद हमने देखा कि वो वॉक के लिए चले गए, थोड़ी देर वो टहलने चले गए जो वो अक्सर जाया करते हैं। लेकिन जब वो वापस आए हैं तो वो काफी समय के बाद आए हैं, और गार्ड का कहना है कि इतना समय सिद्धार्थ नहीं लगाते थे। इसको लेकर सिद्धार्थ मजाक में जब गार्ड उनसे पूछते हैं सिद्धार्थ से कि आप सर आज तो लेट हो गए, तो सिद्धार्थ कहते हैं कि आज मैं थोड़ा बाहर खा के आया हूं, जबकि वो बाहर का खाया नहीं खाते थे अपनी फिटनेस को लेकर। तो इसको लेकर सुरभि, आप क्या जानकारी रखते हैं? देखिए आकाश, जब उनका निधन हुआ तो काफी सारी खबरें सामने आई, काफी सारी चीजें ऐसे सामने आई जो शायद हमारे सामने ये खबर आई जबकि उनका निधन हुआ, तो ये भी बहुत शॉकिंग था अपने आप में। क्योंकि एक इंसान हंसता खेलता जो बिल्कुल फिट था, इससे पहले वो डांस दीवाने 3 में आए, उससे पहले वो बिग बॉस ओटीटी में आए, और हमने उन्हें देखा, और अब जब उनका निधन हो गया तो हर किसी के लिए विश्वास कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब आपने बोला कि वो रात में कहीं से वापस आए, देखिए आकाश, खबर ये भी आई थी कि जब वो अपनी ही गाड़ी से गए थे, खबर ये भी थी, और ये भी कहा गया था कि उनकी गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि चीजों को घुमा फिरा के या तो दिखाया गया है या फिर हमारे सामने सच्चाई पहुंची ही नहीं। तो सुरभि, आपने बहुत सही बात कही है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो क्लेरिफिकेशन जिनमें नहीं आ पाई है, और बहुत सारी थ्योरीज है। उनकी BMW जो कार है, जो पार्किंग में लगी थी, उसका पीछे वाला शीशा टूटा हुआ था, उसके पीछे क्या कारण रहा है ये भी अभी तक सामने नहीं आया है। और गार्ड की, जहां तक मैंने आपसे बात की, गार्ड का ये कहना था कि सर हमेशा वॉक के लिए जरूर जाते थे, 8:30-8:30 बजे उनका हमेशा रहता ही था, और वो ज्यादा देर वॉक करते नहीं थे और जल्दी वापस घर पे आ जाते थे। लेकिन उस रात वो काफी देर बाद वॉक करके आए हैं, और जब गार्ड ने उनसे मजाक में पूछा कि आपको इतना समय सर आज कैसे लग गया, तो सिद्धार्थ बताते हैं कि आज मैं कुछ खाने चला गया था। तो अब जो बेचैनी उन्हें उसके आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद शुरू हुई है, क्या उसका कारण जो उन्होंने उस समय खाया उस वजह से हुई, किन लोगों के साथ उन्होंने खाया और क्या खाया, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या उसकी वजह से उन्हें अनइजीनेस फील होने लगी, छाती में जो पेन उन्हें हो रहा था, उन्होंने शहनाज और अपनी माँ रीटा को बताया कि मैं बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा हूँ, थोड़ी सी अनइजीनेस मुझे फील हो रही है। हालांकि उनकी मदर ने उन्हें जूस दिया, उन्हें नींबू पानी दिया, आइसक्रीम भी खिलाई थी, लेकिन उस समय उससे पहले वॉक करने जब वो गए थे, उस टाइम उन्होंने क्या खाया ऐसा जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है, और रात को बिना किसी दर्द के, बिना किसी पेन के कैसे वो इस दुनिया को छोड़ के चले, जबकि बताया जाता है कि वो शहनाज की गोद में ही थे। देखिए आकाश, जब शहनाज और उनकी माँ को उन्होंने बताया कि उन्हें अनइजीनेस फील हो रहा है, उन्हें बेचैनी हो रही है, तो शहनाज गिल ने उन्होंने उन्हें कहा था कि आप डॉक्टर के पास चल लीजिए। लेकिन आपको बता दें कि शहनाज गिल की बात को इग्नोर करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी जिद पकड़ी रखी, और उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे हॉस्पिटल, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए आकाश कि एक जिद सिद्धार्थ शुक्ला की हमेशा से रही है, हमने बिग बॉस 13 में जहां उन्हें देखा है कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनकी जिद के कारण उनकी जान गई?
देखिए सुरभि, इसको लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद सिद्धार्थ जो इतना फिट था, इतना जिम जाते थे और इतने एक्टिव थे अपनी जिंदगी में, उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी उनके निधन तक बात आ जाएगी, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उन्होंने शायद सोचा होगा कि आज मैंने काम बहुत किया है, क्योंकि अब सिद्धार्थ के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, बहुत तरह के उन्हें मूवीज और वेब सीरीज मिल रही थी, तो ये बात जायज है कि वो काफी ज्यादा लाइफ में बिजी होंगे, अपने काम को लेकर बिजी होंगे, और शाम को इस वजह से अगर थोड़ी सी थकान उन्हें फील हो रही होगी तो वो सोच रहे होंगे कि ठीक है आज बहुत पूरे दिन काम किया है, शायद उसकी वजह से थोड़ी थकान हो रही होगी, और उन्हें इस बात को शायद इतना सीरियसली नहीं लिया कि प्रॉब्लम जो है वो इतनी बढ़ सकती है। और शहनाज जो है वो देख रही होंगी कि उनको थोड़ी, क्योंकि जो इंसान आपके करीब होता है उसको फीलिंग आ जाती है कि इस इंसान के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कि सिद्धार्थ थोड़े से जिद्दी जरूर थे, वो अपनी चीजों को जो थे जैसा वो सोचते थे वैसा ही वो करते थे, और शायद उन्होंने उस टाइम शहनाज को इग्नोर ना किया होता, उनकी बात शायद मानी होती तो उन्हें समय पर ट्रीटमेंट मिल पाती, मेडिकल हेल्प मिल पाती, और फिर शायद ये चीज नहीं होती जो हम आज देख रहे हैं। शायद वो आज हमारे बीच, वो शायद हमारे आज बीच जिंदा होते और हम शायद ये वीडियो नहीं बना रहे होते। खैर दोस्तों, वही जो कहते हैं कि जिसको भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है, और शायद भगवान को मंजूर था कि सिद्धार्थ उनके पास आए और वैसा ही हमने कुछ देखा है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात जो है वो यही है कि सिद्धार्थ चले जरूर गए हैं, लेकिन इसके पीछे उनके जाने का रीजन क्या रहा है उस पर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, उस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। हालिया दिनों में हमने देखा है कि बहुत यंग एक्टर्स बस यूं ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और उनके पीछे किसी भी तरह की कोई सच्चाई सामने नहीं आती है। मैं ना ही सिर्फ सुशांत की बात कर रहा हूँ, मैं जिया खान की बात कर रहा हूँ, मैं सुशांत की जो मैनेजर रही थी उनकी बात कर रहा हूँ, प्रत्युषा, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आप भी जानते हैं कि जिनके जाने के रीजंस आज तक क्लियर नहीं हो पाए हैं, और उसी सूची में अब सिद्धार्थ भी जुड़ चुके हैं, और सिद्धार्थ का भी रीजन अभी तक सामने नहीं आया है। इसे नेचुरल डेथ हम नहीं कह सकते क्योंकि खुद अथॉरिटीज ने अभी इसे नेचुरल डेथ नहीं घोषित किया है, उनका मानना है कि शायद इसके पीछे कोई अलग एंगल हो सकता है। तो दोस्तों मैं सुरभि से पूछना चाहूंगा कि आपको जो ये गार्ड की थ्योरी है इसमें कितनी सच्चाई लग रही है, कि आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ कहानी हमें ऐसी मिलने को देखने को मिलेगी जो बहुत सारी खुलासे कर सकती है। देखिए आकाश, उस समय काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ सामने आई, काफ़ी सारी ऐसी बातें सामने आई, अगर हम हर किसी न्यूज़ पे भरोसा करें तो एंगल कहीं और ही जाएगा, है ना। तो हमें एक्चुअल क्या हुआ है उस पर सोचना चाहिए कि एक्चुअल में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उस रात में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और उनकी जो रात में आखिरी वो 15 घंटे रहे थे वो कितने मुश्किलों भरे रहे थे और उस समय उनके साथ क्या हुआ था, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। फिलहाल आपने जो ये सिक्योरिटी गार्ड वाली बात कही, हो सकता है इसमें सच्चाई हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड से सिद्धार्थ शुक्ला की बात हुई हो, लेकिन ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सोर्सेज हैं जिन ये रिपोर्ट्स हैं जो हमारे सामने आई है जिसमें ये बात कही गई है। तो सर भी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अभी किसी भी नतीजे में पहुंचना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी और भी तमाम तरह की रिपोर्ट सामने आएंगी जिसमें ये चीज फिर क्लियर हो जाएगी कि दरअसल उनके शरीर में कुछ ऐसा गया था जिसकी वजह से उनकी बॉडी ने ऐसे रिएक्ट किया और उनका निधन हो गया। तो हम अभी किसी भी नतीजे पे पहुंचना पसंद नहीं करेंगे, ये बहुत गलत हम देखते हैं मीडिया में, आजकल एक चलन चल चुका है। तो ये एक थ्योरी जरूर है, इस थ्योरी पे आपका कितना विश्वास है आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको भी क्या अजीब बातें इस पूरे हादसे से जुड़ी लगी जो आपको लगता है कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है और उस पर भी आपको जवाब चाहिए, तो इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। आज की हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मुझे और सुरभि को दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी, नमस्कार।